अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको हैप्पी रमदान। आप लोग का रोजा कैसा जा रहा है? मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का करम है। तो आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। मुझे इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, आप अपने फेस पे क्या यूज करते हो कमेंट में, जो आपका फेस इतना ज्यादा क्लियर दिखता है विदाउट मेकअप। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या यूज करती हूँ। और सबसे मेन बात अभी ये भी हो गया है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग मार्केट जा नहीं सकते, अपने फेस केयर के सामान नहीं ले सकते। अगर आपके घर स्क्रब नहीं है तो आप स्क्रब नहीं खरीद सकते, तो आपको कुछ ना कुछ तो DIY और नेचुरल स्क्रब बनाना पड़ेगा। तो अगर आपका फेस टैनिंग हो गया है, टैन हो गया है, आपका फेस डल दिखता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है, तो इसके लिए काफी अच्छा उपाय है आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन सा। तो आप ये देख सकते हो, ये मैंने चावल और जो दाल होता है, दाल चावल खाते हैं ना, मूंग मसूर की दाल और चावल, उसको मैंने गुड़ा ग्राइंड कर लिया है एक साथ दोनों को। फिर मैंने ये मिक्सर बनाया है और इस मिक्सर को आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो उससे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि अगर आपका फेस गीला रहेगा तो इसमें अच्छे से आप वर्क कर सकता है। इसलिए आपको पहले अपने फेस को गीला करना है, उसके बाद आप उसको पोंछ ले, फिर आप कोई भी चीज अप्लाई करें। तो ये देखिए, कोई भी मास्क या कोई भी स्क्रब अप्लाई करें, तो ये डोवल है, ये स्क्रब और मास्क दोनों का काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने वाटर ली है थोड़ी सी, आप चाहो तो रॉ मिल्क भी ले सकते हो। और इसको मैं करीबन एक टीस्पून ही डालूंगी, ये देखिए इतना सा, एक टीस्पून से भी कम है, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगी एंड देन मिक्स करना है इस तरीके से। थोड़ा सा थिक बेस पेस्ट बनाना है ताकि ये ज्यादा गीला गीला सा ना हो, थोड़ा ठीक हो जाए। पानी आपको हिसाब से लेना है, पानी या रॉ मिल्क आप कुछ भी ले रहे हो उसको आपको हिसाब से लेना है। मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत दिनों बाद आज वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आपको मैंने वीडियो बना के बता ही दिया था मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा। काफी मुश्किल से मैं कभी ना कभी वीडियो शूट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये लीजिए, इस तरीके से आपको थिकनेस मिलेगा और आपको इसे लगा लेना है। वेट कीजिए है, तो आप ऐसे करें, आप इसमें गुलाब जल भी लगा मिला सकते हो। आपको धीरे धीरे इस तरीके से रब करना, अपने नोज पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं नोज में, तो इसके लिए काफी इम्पोर्टेंट। और ये आपके फेस को व्हाइटनिंग भी प्रोवाइड करेगा, तो बहुत अच्छा है, टैनिंग को भी दूर करता है, ये स्क्रब का भी काम करता है और मास्क का भी काम करता है। हल्के हाथों से रब करना, आप अपने हैंड पे, लेग्स पे, कहीं भी लगा सकते हो। मैं आपको सिर्फ अपने फेस पे यूज करके दिखा रही हूँ। और आपको पता है मसूर की दाल फेयरनेस प्रोवाइड करती है, तो आप इसको अप्लाई करें अगर स्क्रब नहीं है तो। और ये काफी अच्छा तरीका है, मार्केट से प्रोडक्ट से DIY बहुत अच्छा होता है, तो कोशिश करें। और अभी तो घर पे बैठे हैं, तो घर पे बैठ के DIY ही ट्राई करना काफी अच्छा है। पर किसी किसी के फेस में DIY भी सूट नहीं करता, तो वो लोग पहले एक बार ट्राई करके देख ले, उसके बाद ही अप्लाई करे पूरे फेस पे। तो आपको इस तरीके से रफ करना है धीरे धीरे। और अब इसको 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपने थोड़ा सा वाटर लेना है स्क्रब करके, उसके बाद आपको फेस को वॉश करना है। देन आप कोई भी ब्लैक हेड्स रिमूवल पिन ले ले, उससे आपको अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करना है, इजिली रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्क्रब के बाद रिमूव करते हो। तो चलो हम 15 मिनट वेट कर लेते हैं, इस पैक को सूखने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये सूख गया है, और जब सूख जाएगा आपको फेस खींचने लगेगा, फिर आपको इसको वॉश करना है। तो मैं अभी तो दिखा नहीं सकती, आपको वाटर लेना है, फिर हल्के हाथों से माइल्ड माइल्ड स्क्रब करके उसके बाद आपको फेस को वॉश करना है। तो मैं वॉश करके आती हूँ, और आप लोग भी इसी तरीके से प्रोसीजर करना, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो वेट देखिए, मैंने ये वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से, तो अब मुझे निकालने हैं ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हो।
तो आपके पास, तो आप लोगों के पास इस तरीके की पेन होना काफ़ी ज़रूरी है, इससे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकल जाते हैं। आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे 30 to 25 रुपीज़ के। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आपको किस तरीके से अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करना है या वाइट हेड्स को रिमूव करना है। इस तरीके से अपर डायरेक्शन में करना है, इस तरीके से करके अपने फेस के पिंपल्स वगैरह को निकालने हैं और जो भी एक्स्ट्रा है तो मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। सो मैंने निकाल लिया है मेरे जितने भी ब्लैक आर्थराइटिस थे या फिर छोटे मोटे पिंपल्स थे जो मेवा हो गया था उसको। तो आप ये वाला ही पिन यूज करें, ये वाला पिन, इससे आपके ब्लैक एंड व्हाइट इजीली निकल जाएंगे। आपको एक मिरर लेना है साथ में, तो इस तरीके से आप निकालोगे तो अच्छे से निकल जाएंगे। और अगर आपको और भी कोई चीज़ ट्राई करनी है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपने मुझे मेरे टिकटॉक में फॉलो नहीं कर रखा है तो उस पर भी जाके फॉलो कर लीजिए। एक रेमेडी है जो मैंने उस पर भी बताई है आइस क्यूब वाली, तो वो भी आपको मिल जाएगी। शायद थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा, उसके बाद मिले। तो उसमें भी बताइए, वो वाला काफ़ी ज़्यादा काम करता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है। पर अगर आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको उस वो वाली रेमेडी यूज़ करनी है क्विक वाली, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप जाके मेरे टिकटॉक में स्क्रॉल करके आपको वो वीडियो मिल सकता है, तो देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और अभी शायद मैं भी थोड़ा लेट वीडियो लाऊं, पर हाँ मैं कोशिश करूंगी वीडियो लाने की, तो वेट करते रहिएगा। फ़ोन में प्रॉब्लम है और मेरे पास एक्स्ट्रा कोई फ़ोन नहीं है इसीलिए। सो आपको फेस को इस तरीके से करना है, उसके बाद आप कोई भी क्रीम या लोशन या जेल, मैं आपको बोलूँगी आप जेल लगा लो क्योंकि जेल काफ़ी अच्छा वर्क करेगा इसे में। तो चलो अब मैं आपसे, जेल या सीरम भी लगा सकते हो। चलो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना और रमज़ान में मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो जाए। ले लिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।